शुभ समाचारों में आज हम आपको सबसे पहले 4 साल के छोटे से क्रिकेटर शायान जमाल की कहानी दिखा रहे हैं। इसकी उम्र पर मत जाइएगा, ये नन्ना खिलाड़ी इतनी सी उम्र में ऐसे बल्लेबाजी करता है कि बड़े बड़े दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। और तभी तो महज 4 साल की उम्र में शायान का सिलेक्शन स्कूल की अंडर 12 टीम में हो गया है। क्रिकेट को लेकर भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन ये टैलेंट एक 4 साल के बच्चे में इस तरह से निकलेगा ये शायद किसी को अंदाजा नहीं था। मैं तो सुपरमैन, विराट का फैन, जो ले पंगा हरा दूंगा, मैच कर दूंगा डिस्पैच। शायान जमाल 4 साल का है, केजी में पढ़ता है, लेकिन काबिलियत 12 साल के बच्चे की है। शायान की ये काबिलियत क्रिकेट के मैदान में दिखाई देती है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो भारत की रग रग में समाया हुआ है। क्रिकेट भारत का धर्म है और यही वजह है कि भारत के कई खिलाड़ियों ने विश्व स्तरीय कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही पहचान लिए जाते हैं। शायान जमाल के मामले में ये कहावत पूरी तरह फिट बैठती है। शायान की बल्लेबाजी देखकर बड़े बड़े खिलाड़ी भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। उसे खेलते देखकर ऐसा लगता है मानो कोई मैच्योर खिलाड़ी खेल रहा है। क्रिकेट में अपनी इस अद्भुत प्रतिभा के बल पर शायान अपने स्कूल की अंडर 12 टीम में सिलेक्ट हो गया है, लेकिन सपने तो इससे भी बड़े हैं। अच्छा, क्या पसंद है आपको, कौन सा मूव पसंद है? काउ ड्राइव। काउ ड्राइव आपको पसंद है। आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? क्रिकेटर। क्रिकेटर, तो आप नेशनल लेवल पर खेलोगे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए? अपने देश के लिए खेलना चाहते हो? आप अपने देश के लिए खेलना चाहते हो क्रिकेटर बन के? शायान दिल्ली के संगम विहार के हमदर्द स्कूल में पढ़ता है। उसके पिता अरशद जमाल क्लब स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं। अरशद ने अपने बेटे की प्रतिभा को निखारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरशद कहते हैं कि शायान का क्रिकेट सेंस बहुत तेज है और वो अपने देश के लिए खेलने को बेताब है। क्रिकेट से छुट्टी शायान को पसंद नहीं है। नेट्स पर जाने के लिए वो मचलने लगता है। उसका खेल बहुत स्वाभाविक है और अरशद उसे तराशने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा जो इसको बचपन से जो कहते हैं ना फॉलो करता है, विराटियन है, प्योर विराटियन। क्योंकि आप सुनेंगे तो ये इसके 3.5 साल का जब था तो इसने एक सॉन्ग गाया था विराट के लिए, मैं तो सुपरमैन विराट का फ़ैन, जो मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है अपने मोबाइल में, और जब भी विराट से हमारी मुलाकात होगी तो मैं ज़रूर उनको शेयर करूँगा। शायान क्रिकेट को अपना जुनून बना चुका है। शायान की माँ गर्व से बताती हैं कि जब वो सिर्फ 9 महीने का था तब उसने पहली बार बल्ला पकड़ा था। किसी वजह से क्रिकेट खेलने बाहर नहीं जा पाता तो घर को ही क्रिकेट ग्राउंड बना लेता है और दोनों बहनों को फील्डर। ये अल्लाह की देन है, वो इसके लिए पापा इसके पीछे लगे रहते हैं और बच्चे इसमें लगन बहुत है खेलने का, हर चीज़ को बल्ला बना लेता है। जो छोटा सा कुछ स्टिक मिला उसको बल्ला बना लेता है, टेनिस और रैकेट जो भी मिला उसको सबसे बॉल के साथ खेलता ही रहता है। शायान का फॉरवर्ड डिफेंस और कवर ड्राइव देखते ही बनता है, और वो भी क्यों ना, वो क्रिकेटर विराट कोहली का फैन है। अब तक जितने भी कोचेज ने शायान की बल्लेबाजी देखी है उनका यही कहना है कि शायान भविष्य में नाम कमाएगा। शायान की कम उम्र की वजह से अब तक कोई प्रोफेशनल कोच नहीं मिल पाया, लेकिन शायान को परवाह नहीं है, हाथ में बल्ला चाहिए, पापा और स्कूल के क्रिकेट कोच है ना। हमें लगा कि अब हमें इसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो मैं कई क्लब्स में लेके गया। वहाँ पे सब लोगों ने कहा कि ये अभी बहुत छोटा है और इतनी छोटी उम्र में जो है ना हम इसको अपने एकेडमी में नहीं ले सकते, और इसका जो जुनून था अगर मैं इसको नहीं खिलाता तो इसके साथ इनजस्टिस होता। इसी तरीके से ये सिलसिला चला। जब 3 साल का हुआ तो हमने इसको यहाँ पे इवनिंग में डेली लाना शुरू किया, वो सिलसिला चलता रहा। अभी नर्सरी में जब ये गया तो स्कूल में इसके अंडर 12 के लिए सेलेक्ट हुआ ये। आज शायान विराट कोहली का फैन है। जिस लगन से, मेहनत से शायान क्रिकेट सीख रहा है, खेल रहा है, वो दिन दूर नहीं जब शायान विराट कोहली के ही रिकॉर्ड्स तोड़ रहा होगा। यशस्विका, जी मीडिया, दिल्ली।
छोटे शायान के बड़े सपने। अब दूसरा शुभ समाचार मुंबई के रेलवे स्टेशन से आया है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेल नेटवर्क भारतीय रेल की सूरत बदलने की कवायद तेज हो गई है। खासकर खान पान के स्तर को लेकर रेल मंत्रालय खासी सतर्कता बरत रहा है। IRCTC ने आने वाले दिनों में एक अनोखे प्रयोग की तैयारी कर ली है। यात्रियों को ई केटरिंग रेडी टू फूड की सुविधा मुहैया कराने वाली IRCTC अब रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही फूड वेंडिंग मशीन लाने की तैयारी में है। रिपोर्ट देखिए आप। कृपया ध्यान दीजिए, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। छुक छुक कर चलती भारतीय रेल अब आधुनिकता की राह पर तेजी से कदम बढ़ा रही है। भारतीय रेल के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए रोजाना नई कोशिशें हो रही हैं। खासकर खान पान की बढ़ती शिकायतों को देखकर सबसे बड़े कदम इसी दिशा में बढ़ाए जा रहे हैं। जिस देश में ट्रेन बुलेट की रफ्तार से चलने के लिए तैयार है, उस देश में अब खाना भी आपको बुलेट की रफ्तार से ही मिलेगा। जी हाँ, आने वाले समय में जल्द ही IRCTC यस पिज़्ज़ा के साथ जो है टाई अप कर सकती है और आपको आपके स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर और यहाँ तक कि रनिंग ट्रेन में भी महज 5 मिनट के अंदर आपकी आंखों के सामने बना हुआ पिज़्ज़ा जो है खाने के लिए मिल सकता है। IRCTC जल्द ही बुलेट की रफ्तार से रेल यात्रियों को 100% शुद्ध और क्वालिटी फूड मुहैया कराने की गारंटी देती नजर आएगी। आखिर जिस देश में स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने की कवायद हो, वहां मुसाफिरों के खाने को भी विदेशी टच देना जरूरी है। इसीलिए IRCTC आने वाले दिनों में रेलवे स्टेशन पर फूड मेकिंग मशीन से यात्रियों का दिल जीतने की तैयारी में है और इसकी शुरुआत ATP यानी एनी टाइम पिज्जा मशीन के जरिए की जा रही है। भारत में किसी भी पिज्जा ब्रांड के 30 मिनट के दावे के मुकाबले ये मशीन आपकी आंखों के सामने आपका पिज्जा 5 मिनट के भीतर गर्मा गर्म खाने के लिए परोस देगी। बेक करना, उसमें स्टफिंग करना, उसके टॉपिंग करना, चीज स्प्रेडिंग करना से लेकर पैक होके आपके हाथ में आना, वेल पैक्ड बॉक्स। तो ये एक कंसेप्ट है जो हम कोशिश करने वाले हैं बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करने की। दरअसल IRCTC के पास इस खास मशीन को लेकर आए मुंबई के रहने वाले नितेश ठक्कर। वैसे तो इस पिज्जा मेकिंग मशीन का कॉन्सेप्ट नीदरलैंड्स का है। इसके पार्ट्स जापान से मंगवाए गए हैं और इसे चाइना में असेंबल किया गया है। दुनिया में पहली बार इस तरह की मशीन का ट्रायल भारत में किया जा रहा है ना ये बेहद खास मशीन। अब आपको बताते हैं कि ये काम कैसे करेगी। ATP मशीन में 3 चैम्बर हैं। पहले चैम्बर में पिज्जा फ्लोर होता है जिसमें डो तैयार होता है, फिर बेस बनाकर उस पर टमेटो केचप डाला जाता है। दूसरे चैम्बर में टॉपिंग्स डाली जाती हैं और तीसरे चैम्बर में माइक्रोवेव के जरिए पिज्जा को बेक करते हैं और खाने के लिए बॉक्स में इसे पैक कर दिया जाता है। ये मशीन फ्लोर से लेकर रेडी टू ईट पिज्जा महज 5 मिनट में बना लेती है। वहीं सबसे खास बात ये कि पूरी प्रक्रिया मशीन के जरिए होती है, इसमें कोई ह्यूमन टच नहीं होता, यानी पूरी तरह से हाइजीनिक है ये व्यवस्था। हम मशीन के संग रेडी है, उनका जैसे प्रपोजल आएगा हम लॉन्च करने को तैयार हैं। ये है कि लोकेशन वो कैसे देते हैं वो उनके ऊपर है। इंडिया में ये असेंबल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसे हमने चाइना में असेंबल करके पेटेंट ऑल ओवर वर्ल्ड हमने इसको इधर लिया और ये पहला ही मशीन है जो इंडिया में लॉन्च हुआ है। दुनिया में कहीं ये लॉन्च अभी तक नहीं हुआ। एनी टाइम पिज्जा मशीन में यात्रियों को कम समय में जिस शुद्ध और स्वादिष्ट पिज्जा को सर्व करने के दावे किए जा रहे हैं, हमने भी उसका जायजा लिया, सामने इस्तेमाल किया और इस मशीन को यूज करना भी बेहद आसान लगा। इस तरीके का टोकन जब ये स्टेशन या प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल की जाएगी तो इस तरीके का टोकन आपको मिल सकता है। हालांकि इसके प्राइसिंग अभी तय नहीं किए गए हैं कि प्लेटफॉर्म और स्टेशन पर जब ये मशीन लगेगी तो ये पिज्जा कितने रुपए में दिया जाएगा। आपको टोकन मिलेगा, टोकन यहाँ आपको इस जगह पर डालना, इस मशीन में आपने टोकन डाल दिया और उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस मशीन में आप अपनी पसंद का पिज्जा इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त हम जो है ये पनीर पिज्जा यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया यहाँ पर आएगा नाउ योर पिज्जा इज कुकिंग और अपने आप में अपने पिज्जा को बनते हुए देखना अल्टीमेट है। और इस वक्त जो है ये मेरे लिए जो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया है पिज्जा बनना शुरू हो गया है। इस मशीन को फिलहाल मुंबई के उन रेलवे स्टेशन पर लगाने की तैयारी है जहां पैसेंजर इनफ्लो हैवी है।
वहीं मशीन के लिए ज्यादा जगह की भी जरूरत होगी, तो ऐसे स्टेशन पर लगाने की पहल होगी जहां स्पेस की कमी ना हो। फिर धीरे धीरे ये व्यवस्था पूरे देश में लागू हो सकती है। उम्मीद है कि प्रभु की रेल में जल्द ही खान पान को लेकर यात्रियों की शिकायतों का सिलसिला भी थमेगा। कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। नरसिंहपुर के छोटे से गांव बौछार के रोशन लाल ने राशन दुकान की वितरण प्रणाली के लिए नया उपकरण तैयार किया है, जिससे न केवल उपभोक्ता को साफ और सही मात्रा में अनाज प्राप्त होगा, बल्कि प्रशासन को भी खराब होने वाले अनाज के साथ साथ कर्मचारियों की कमी का भी लाभ मिलेगा। रोशनलाल एपीजे अब्दुल कलाम के इंजीनियर किसान हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी तारीफ पा चुके हैं रोशनलाल। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर के गांव बौछार के निवासी हैं, पेशे से किसान हैं। लेकिन बौछार और आसपास के लोग इन्हें इंजीनियर किसान कहते हैं। रोशनलाल की वैज्ञानिक सोच उन्हें दूसरे किसानों से अलग करती है, और इसी खासियत की वजह से नाबार्ड कृषि कर्मण जैसे कई अवार्डों से नवाजे जा चुके हैं। रोशनलाल विश्वकर्मा ने अब तक कई कृषि उपकरण ईजाद किए हैं। देश में अनाज की बर्बादी पर रोशनलाल को दुख होता है। अनाज जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता है तो रोशनलाल को अफसोस होता है। रोशनलाल यूं ही सरकारी अनाज की दुकान में अनाज को बर्बाद होते देखने वालों में से नहीं है, लिहाजा रोशनलाल ने फुली इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपर्पज सप्लाई सिस्टम ईजाद किया है। रोशनलाल की बनाई गई ये मशीन अलग अलग तरह के अनाज को स्टोर करती है, निश्चित मात्रा में अनाज की कम समय में सप्लाई करने में मददगार है। सबसे बड़ी बात ये कि एक दाना भी बर्बाद नहीं होता। कलेक्टर साहब इस पक्ष में है और एक दो मॉडल लोग बनवा चुके, तो फिर मैंने वो मॉडलों को देखा और अपने हिसाब से फिर उसका निर्माण किया है, तो उसमें फिक्स क्वांटिटी में अनाज भी मिलेगा और स्वच्छता भी रहेगी, और यदि सरकार की दृष्टि से देखा उसके फायदे, तो मेरे ख्याल से एक लेबर की एक सोसाइटी में तो बचत होगी उससे। उनके द्वारा 2012-13 में जो एक एग्रीकल्चर इनोवेशन हुआ, जो उसका नाम था शुगर कैन बर्ची, पर कस्टमर को बाकायदा जो है उसको जो अनाज दिया जा रहा है वो बिल्कुल सटीक माप के अनुसार दिया जाएगा। रोशनलाल की ये वैज्ञानिक सफलता प्रशासन तक पहुंची। जिला कलेक्टर ने रोशनलाल की इस आविष्कार के लिए सराहना की। कलेक्टर साहब रोशनलाल के मल्टीपर्पज सप्लाई सिस्टम की उपयोगिता की पड़ताल कर रहे हैं, अधिकारियों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही मल्टीपर्पज सप्लाई सिस्टम प्रोजेक्ट राज्य सरकार में शामिल हो जाएगा। तो इसके बारे में अपन जिले में पहले से 2-3 महीने के पहले से अपन नवाचार करते आ रहे हैं, और डिजाइन कई डिजाइन अपन देख चुके हैं, एक फाइनल डिजाइन अपन फाइनल करके बताएंगे। रोशनलाल के इरादों और उससे हासिल सफलता ने ये साबित किया है कि जय हिंदुस्तान है, क्योंकि यहाँ जय किसान है। शैलेंद्र शर्मा, जी मीडिया, नरसिंहपुर।